आज हमारे पास है Hyundai की क्रेटा EX मॉडल, जो कि एक SUV है जिसमें आपको क्रेटा की तरफ से न्यू फेसलिफ्ट देखने को मिलता है। इंटीरियर में डुअल टोन फिनिशिंग, ऑल्सो कंफर्टेबल बैक सीट्स एंड ह्यूज बूट स्पेस, और ये सब आपको मिलता है 12.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस एंड 14 लाख के ऑन रोड प्राइस पे। तो चलते हैं अर्श भाई के पास, देखते हैं क्या कहना उनका इस कार के बारे में। क्या हाल है भाइयों, मैं हूं अर्श रोहिला। तो आज हम खड़े हैं क्रेटा के वैल्यू फॉर मनी EX वेरिएंट के सामने। इसमें आपको जरूरत की हर एक चीज प्रोवाइड करी गई है। तो देखें तो इसमें आपको बीच में Hyundai का लोगो मिल जाएगा, लोगो के जस्ट नीचे आपको ब्लैक ग्रिल मिल जाएगी सिल्वर फिनिश के साथ, उसी के नीचे आपको सपोर्टेड ग्रिल मिल जाएगी ग्रे फिनिश के साथ। हेडलाइट्स में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, जस्ट उसी के अराउंड आपको DRLs मिल जाएंगे सी फिनिशिंग के साथ, उसी के नीचे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। हेलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में ही आपको एयर कर्टन भी अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके की आपको ओवरऑल मस्कुलर लुक मिलती है फ्रंट में। वहीं अगर हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको 1635 mm की हाइट, 1790 mm की विड्थ, साथ में आपको 4300 mm की लेंथ मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल में अगर हम व्हील की बात करें तो इसमें आपको 16 इंच का सिंपल स्टील रिम मिल जाएगा, अलॉय व्हील नहीं मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में आपको डम ब्रेक मिलेगी। ORBMs की तरफ देखें तो ऑटो फोल्डेबल ORBMs नहीं मिलते हैं, नॉर्मल ORBMs प्रोवाइड करे गए हैं, और ये बात अच्छी है कि इसमें आपको टर्न इंडिकेटर ORBM पे ही मिलते हैं। इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो कि एक SUV के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर हम साइड प्रोफाइल की को देखें तो ये ऊपर नीचे जो आपको सिल्वर फिनिशिंग दी गई है गाड़ी की, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो चलिए अगर हम इसकी बैक लुक को देखें तो ऊपर आपको शार्क एंटीना मिल जाएगा, साथ में आपको इसमें स्पॉइलर भी प्रोवाइड करा गया है। बैक मिरर में आपको रेयर वाइपर्स नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगी, उसी के नीचे आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्रेटा की बैजिंग भी दिखाई दे जाती है। उसी के नीचे आपको बैक बम्फर में ग्रे मैट ग्रे फिनिश के साथ आपको बैक बम्फर दिखाई दे जाएगा, साथ में आपको रिवर्स लाइट भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसमें कैमरा भी है विद 4 रिवर्स सेंसर। बैक हेडलाइट्स में आपको DRLs मिल जाते हैं यहाँ पर सी फिनिश के साथ, साथ में आपको रिवर्स लाइट इंडिकेटर्स टर्न इंडिकेटर्स आपको यहीं पे ही प्रोवाइड करे गए हैं। नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स दिखाई दे जाएंगे विद रिवर्स लाइट। फ्यूल टैंक, अगर हम फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो इसमें आपको पेट्रोल एंड डीजल में ऑप्शन मिल जाता है, 1.5 लीटर का इंजन है, इसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। बस इसमें एक कमी है, इसमें आपको वन टच फ्यूल टैंक नहीं मिलता है। तो चलिए गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं हम। इंटीरियर में अगर हम डोर की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल टोन प्रोवाइड करी गई है, इसमें आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, यहाँ पर कोई भी लेदर फिनिश नहीं दिखाई देती है। साथ में अगर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ORBMs कंट्रोल लॉक अनलॉक मिरर अनलॉक और चारों पावर विंडो प्रोवाइड करी गई है यहाँ से। इसमें आपको ऑटो फोल्डेबल ORBMs नहीं है, बट हम अपने कैबिन में बैठे बैठे अपने ORBMs के एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको बोतल होल्ड के लिए स्पेस दिया गया है। अगर सीट्स की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल, साथ में अपने कंफर्ट्स, जैसे हमें अपने कंफर्ट चाहिए उस तरीके के हम अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग में आपको बीच में Hyundai का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर कोई भी लेदर रैप नहीं मिलता है, यहाँ पर ग्रे फिनिशिंग दिखाई दे जाएगी आपको। साथ में हम स्टेयरिंग से ही अपने वॉल्यूम वगैरह स्टेयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आपको नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पर बटन दिया जाता है, पर यहाँ Hyundai ने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे अपने कंट्रोल वगैरह, हमें चेक करने हो कितने मीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है एक्सेट्रा। अगर हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको DIS दिखाई दे जाएगा, जहाँ कार की हमें एनिमेशन दे रखी है, नॉर्मल डोर ओपन, कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज है। साथ में आपको यहाँ पर डिजिटली नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको RBM
दिख जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी स्पीड देख सकते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल नहीं मिलता है, बट यहाँ से हम अपने वाइपर्स कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने हेलोजन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, आगे की हेडलाइट्स। यहाँ पर आपको एसी विंड्स दिखाई दे जाएगी सिल्वर फिनिश के साथ, या नीचे से हम अपनी हेडलाइट्स को अपने एंगल के वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसके इंटीरियर की फिनिशिंग की तरफ देखें तो इसमें आपको ड्यूअल टोन प्रोवाइड कर रखी है, काफी बेस्ट प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रखा है। वैसे तो प्लास्टिक यूज कर रखा है बट हार्ड प्लास्टिक यूज कर रखा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल प्लास्टिक यूज दिखाई दे जाता है, बट यहाँ पर जो पैसेंजर साइड फिनिशिंग दे रखी है ये बिल्कुल आपको लेदर की तरह मिलती है। अगर हम एसी विंड्स की बात करें तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, आपको सिल्वर फिनिश दिखाई दे जाएगी एसी विंड्स में, क्रोम फिनिशिंग नहीं दिखाई देती है। तो नीचे से अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हम एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, हर चीज अवेलेबल है। स्टीरियो इसमें अवेलेबल है इस मॉडल में, हमें आफ्टर मार्केट लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है ये, तो इसमें आपको कैमरा भी यहीं पर ही मिल, इसमें आपको कैमरा भी इंस्टॉल्ड मिलेगा गाड़ी में। नीचे से देखें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, इसमें आपको मैनुअल एसी मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको अपना फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ में अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल 6 गियर ट्रांसमिशन मिलेगा, BS6 वेरिएंट है, बिकॉज BS6 इंजन है, बिकॉज ये यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा ग्लास वगैरह या नॉर्मल आपको कुछ यूज में रखना है तो। आर्मरेस्ट में आपको फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलेगा, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा, कोई भी कूलिंग फीचर नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे हम नॉर्मल अपना सामान रख सकते हैं। अगर गाड़ी के डैशबोर्ड को देखें तो काफी सही स्पेस मिल जाता है डैशबोर्ड में भी, डैशबोर्ड में आपको कूलिंग फीचर भी अवेलेबल है। रूफ में सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है अपना स्पेक्स वगैरह होल्ड करने के लिए। इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन मिलेंगे, LED नहीं मिलते हैं, ड्राइवर साइड मिरर नहीं मिलता है। तो अगर बैक डोर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ड्यूअल टोन प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे बोतल होल्ड के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, पावर विंडो है, चारों मैंने आपको बता ही दिया। साथ में अगर हम सीट के कंफर्ट की बात करें इस कार की, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है इस गाड़ी में आपको। यहाँ पर आपको AC विंड्स दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पर पीछे आपको कोई भी USB पोर्ट या सॉकेट नहीं दिखाई देता है, कुछ इस तरीके की आपको बैक लुक प्रोवाइड होती है। ऊपर आपको लाइट, अगर हम गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 443 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस है। नॉर्मल कार्स में आपको इसमें हेलोजन बैक लाइट, बूट लाइट नहीं मिलती है, इसमें आपको बूट लाइट भी अवेलेबल है, बट या इसमें कोई भी बैक में आपको सॉकेट नहीं मिलता है। अगर हम गाड़ी के स्पेयर टायर की बात करें तो इसमें आपको 16 इंची का स्पेयर टायर मिलेगा, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं मिलती है, साथ में आपको टूल किट भी मिलेगी। चलिए गाड़ी के हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में देखें तो यहाँ पर आपको बोनेट में इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रखी है। अगर हम इंजन के पावर की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का CRDI 16V का इंजन मिल जाता है, जो काफ़ी पावरफुल इंजन है। साथ में BS6 इंजन, साउंडलेस इंजन है, बिल्कुल आपके कैबिन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। इसमें आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रखी। अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1500 CC का इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 113 BHP पावर एट 4000 RPM। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 250 Nm का टॉर्क मिलता है 1500 RPM पे। और अगर कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी की माइलेज 18 से 21 तक की, बट आई थिंक दे भी देती है ये कार, पर हाईवे पे आपको हाईवे पे ही देगी, सिटी में नॉर्मल एवरेज देती है ये कार। कुछ इस तरीके का आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है इस गाड़ी में। तो गाड़ी की अगर हम ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, एक पैसेंजर साइड एक ड्राइवर साइड। और ग्लोबल NCAP ने इस गाड़ी को 3 स्टार दे रखे हैं, ये 3 स्टार रेटेड कार है। तो ओवरऑल अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो सेफ्टी फीचर में भी कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।